अग्निवीर को सेवाकाल के उपरांत हरियाणा में परमानेंट सरकारी नौकरी दी जाने की बात को भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने चुनावी मैनिफेस्टो में सम्मिलित करने का भूतपूर्व सैनिकों एवं वीरांगनाओं ने स्वागत किया। भूतपूर्व सैनिक विकास समिति के हरियाणा प्रदेश संयोजक सूबेदार सुरेंद्र सिंह यादव एवं नांगल शालू के अध्यक्ष हवलदार रामपाल पूनिया द्वारा नांगल शालू में भूतपूर्व सैनिकों द्वारा नारनौल के भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी का स्वागत कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में भूतपूर्व सैनिक विकास समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल देवानंद गुर्जर भी शामिल हुए। सम्मान की कड़ी में भूतपूर्व सैनिकों ने हरियाणा के भूतपूर्व सैनिक कल्याण मंत्री श्री ओम प्रकाश जी का माला पहनाकर स्वागत करते हुए आग्रह किया कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तक अग्निवीरों को परमानेंट सरकारी नौकरी दिए जाने की घोषणा का विशेष धन्यवाद एवं अभिनंदन पहुँचाने का आग्रह किया। कर्नल देवानंद गुर्जर ने भारतीय जनता पार्टी का आभार जताते हुए बताया कि सेवा में नौकरी करने के उपरांत हर अग्निवीर को सरकारी परमानेंट नौकरी दिए जाने की घोषणा एक ऐतिहासिक कदम है। इस घोषणा से सेना के मनोबल को ऊंचा रखने में मदद मिलेगी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भूतपूर्व सैनिक कल्याण मंत्री श्री ओम प्रकाश जी को उनके पिछले कार्यकाल के दौरान वीर गति को प्राप्त करने वाले सैनिकों को हरियाणा सरकार की तरफ से दिए जाने वाले अनुदान को 20 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ किए जाने के लिए विशेष आभार जताया। कर्नल ने इस मौके पर देश के दूसरे प्रदेशों के सरकार से इसी तर्ज पर घोषणाएं करते हुए उनके प्रदेश के हर अग्निवीर को सेवाकाल के उपरांत परमानेंट नौकरी दिए जाने की घोषणा करने का आग्रह किया। विशेष अभिनंदन के लिए सैनिक इकट्ठे हुए हैं और उस इकट्ठे होने का कारण यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र मोदी जो हमें भाई उनके नेतृत्व में अहम ऐतिहासिक फैसला हुआ है, जिसको लेकर के कई वर्षों से सेना और भारत सरकार को बदनाम किया जा रहा है और वो था कि अग्निवीर की देखभाल नहीं करती है सरकार। पर मैं अभिनंदन देना चाहूंगा और बधाई देना चाहूंगा हमारे देश के भारत के जनता पार्टी के विचार को, नरेंद्र मोदी साहब को, अमित भाई को और यहाँ आपके जनप्रतिनिधि भूतपूर्व सैनिक कल्याण मंत्री एडीओ ओम प्रकाश साहब को कि इनके प्रयासों की बदौलत अग्निवीरों के लिए फौज की नौकरी के बाद परमानेंट नौकरी का आह्वान किया गया है, जो एक ऐतिहासिक कदम है और मैं मानता हूं उसके लिए विशेष अभिनंदन और विशेष आभार।